ऐसे में जो राहुल जी ने एक नारा दिया भारत जोड़ो यात्रा के तहत कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ, उस नारे ने दिल को छू लिया। और उन्होंने जो कहा कि संविधान की रक्षा करनी है और देश में सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाते हुए सभी वर्गों को उनके जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी भागीदारी मिलनी चाहिए। आम आदमी पार्टी को दिल्ली में बड़ा झटका लगा है। एक तरफ हरियाणा में जहां आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन की बात चल रही है, वहीं दिल्ली में पार्टी के एक विधायक ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। आप पार्टी विधायक और पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम आज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बीते दिनों ही खबर आई थी कि राहुल गांधी हरियाणा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का मूड बना रहे हैं। इस पर उन्होंने क्षेत्रीय पार्टी नेताओं की राय भी मांगी थी और गठबंधन को लेकर फायदे नुकसान पर रिपोर्ट भी मांगी थी। एक राज्य में गठबंधन और दूसरे राज्य दिल्ली में आपके ही नेता ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है अपनी आम आदमी पार्टी को छोड़कर। सूत्रों के मुताबिक गौतम आज सुबह 11:30 बजे कांग्रेस कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ले चुके हैं। राजेंद्र पाल गौतम 2022 में हिंदू देवी देवताओं पर दिए गए बयान को लेकर विवादों में आए थे। विवादों के बीच उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस मुख्यालय में आज कई नेताओं ने पार्टी की सदस्यता ली, इसमें आप विधायक राजेंद्र पाल गौतम भी शामिल रहे। इस मौके पर राजेंद्र गौतम ने कांग्रेस में शामिल होने की वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की बातें उनके दिल को छू गईं। ऐसे में जो राहुल जी ने एक नारा दिया भारत जोड़ो यात्रा के तहत कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ, उस नारे ने दिल को छू लिया। और उन्होंने जो कहा कि संविधान की रक्षा करनी है और देश में सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाते हुए सभी वर्गों को उनके जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी भागीदारी मिलनी चाहिए, उस बात ने प्रेरित किया कि इसी बात की तो लड़ाई फूले, साहू, अंबेडकर, पेरियार, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने लड़ी है पूरे जीवन। और मैं खुद 56 साल का हूँ, लेकिन 43 साल टोटल मेरे इस मिशन मूवमेंट में सामाजिक न्याय के इस आंदोलन में लगे हैं। और मुझे आज याद आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी जब एक गाना गाया करते थे, और वो गाना आपको सबको याद होगा, इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। लेकिन उस गाने की एक लाइन है जिसे वो नहीं गाते थे, वो लाइन है, नए जगत में हुआ पुराना ऊंच नीच का किस्सा, सबको मिले मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा। अगर वो हिस्सा नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं हम धोखा दे रहे हैं, कि चूंकि जो हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, उनका खुद का जीवन संघर्ष से भरा रहा है, और राहुल गांधी जी का पूरे परिवार का जीवन संघर्ष से भरा रहा है, और वो आज अगर सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं, अगर वो हिस्सेदारी भागीदारी की बात कर रहे हैं कि सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी भागीदारी होनी चाहिए, और वो मैं करके रहूंगा, उन्होंने यहां तक कहा कि ये मेरा राजनीतिक मिशन नहीं है, मेरे जीवन का मिशन है, इस बात ने कहीं ना कहीं मेरे दिल में जगह की। और मेरे भी जीवन का जो मिशन है वो राजनीति या MP MLA बनना, मंत्री बनना या कोई बड़ा पद लेना, ये कभी नहीं रहा, और ये आम आदमी पार्टी के साथी भी जानते हैं। तो मैं अपने सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए आज कांग्रेस को ज्वाइन किया, और उन्होंने मुझे बड़े सम्मान पूर्वक ज्वाइन कराया। वही हरियाणा चुनाव से पहले रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया भी आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि विनेश फोगाट को कांग्रेस हरियाणा चुनाव में टिकट दे सकती है, वहीं बजरंग पार्टी का प्रचार करेंगे। इसके अलावा आज हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस हाईकमान की बैठक है। इस बैठक में समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पर आखिरी फैसला लिया जाना है। बैठक में तय किया जाएगा कि गठबंधन होगा या नहीं, और अगर होगा तो कौन सी सीटें होंगी जो आपको मिलेंगी। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता रहेंगे। इस बैठक के बाद ही कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव की तरह इंडिया गठबंधन के फॉर्मूले पर ही सीट मांग रही है। हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 10 सीटें मांगी हैं, लेकिन कांग्रेस हाईकमान 5 से 7 सीटें देने को तैयार है। इसके अलावा सपा भी 5 सीटें मांग रही है। वहीं कांग्रेस प्रदेश कमेटी ने किसी भी दल के साथ गठबंधन से इनकार किया है। बाकी आज कांग्रेस हाईकमान की बैठक में इस पर आखिरी फैसला लिया जाएगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।